हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज़ डॉक्टर अना मुजीफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम मड़वाड़ी कॉलेज आज क्लास एलेवेंथ साइकोलॉजी के चैप्टर चैप्टर नंबर फोर मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट से किशोरावस्था पर चर्चा की जाएगी एडुलेंस पीरियड क्या है उसके विकास के कौन कौन से पहलू हैं आदि पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडोलेंस या किशोरावस्था लैटिन भाषा के शब्द एडोल्सियर से लिया गया है जिसका अंग्रेजी रूपांतर एडोलसेंस है या यह एडोलसेंस बना है जिसका अर्थ है परिपक्व के रूप में विकसित होना टू ग्रो इन टू मैचोरिटी ओके यह व्यक्ति के जीवन में बाल अवस्था तथा प्रावस्था के मध्य का संक्रमण काल या ट्रांजिशनल पीरियड है इससे संबंधित जर्सील्ड ने भी कहा है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति की बाल अवस्था या परिपक्वावस्था में परिवर्तन परिवर्तित होती है कहने का अर्थ क्या है बढ़ते हुए क्रम में विकास की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यक्ति जब बचपन से आगे की ओर जाता है परिपक्वता में वह परिवर्तित हो जाता है मैच्योरिटी में वो चेंजेस आ जाता है इसे ही किशोरावस्था कहा जाता है जिसको दो चरणों में विभाजित किया गया है और इसका एज थर्टीन ईयर्स से ट्वेंटी वन या ट्वेंटी टू ईयर्स माना गया है द टर्म एडोलसेंस डाइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोल्स मीनिंग टू ग्रो इन टू मैचोरिटी इट इज़ द ट्रांजिशनल पीरियड इन अ पर्सनस लाइफ बिटवीन चाइल्ड हुड एंड एडल्टुड बचपन और एडल्ट के बीच का पीरियड कहलाता है एडोलसेंस सी एडोलसंस इज कॉमनली डिफाइंड एज द स्टेज ऑफ द ऑफ लाइफ दैट बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी व्हेन सेक्सुअल मैचोरिटी और द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज ऑप्टेंट अकॉर्डिंग टू जर द पीरियड थ्रू विच ग्रोइंग मेक मेक्स ग्रोइंग्रांशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैचोरिटी एज थर्टीन ईयर्स टू ट्वेंटी फर्स्ट और ट्वेंटी सेकेंड ईयर एक बार इसे स्क्रीन पे भी आप लोग देखें एडोलसेंस फ्रॉम लैटिन एडोल्स केयर मीनिंग टू ग्रो अप, ओके? एंड अपलसेंस Many psychologists once believed that childhood sets our traits. Today, psychologists believe that development is a lifelong process. Adolescence is defined as life between childhood and adulthood, and adolescence is a transitional period. Transition does not mean a break with or a change from what has गॉन बिफोर बट्रेदर अप पैसेज फ्रॉम वन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टू अनदर इस तरह किशोरावस्था का मानव जीवन के विकास में बहुत अधिक महत्व है यह बचपन और युवावस्था के बीच का एक काल है एक बीच का एक पीरियड है यह शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व या मैच्योर होने के पूर्व की अवस्था है इसमें बचपन के व्यवहार बिहेवियर तथा विचार समाप्त होते हैं रूपांतरित होते हैं और इन क्षमताओं तथा शक्तियों का विकास होता है इसके बाद मानव जीवन के विकास की अन्य सभी अवस्थाओं की तुलना में किशोरावस्था या एडोलसेंस सबसे अधिक आनंदमीय होती है यह पीरियड एक दिलचस्प पीरियड भी होता है लेकिन इसके साथ साथ इस पीरियड में इस अवस्था में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना भी एक किशोर को एक बच्चे को करना पड़ता है इसलिए इसे जीवन का सुनहरा काल भी कहा जाता है गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है और इनकी चुनौतियों का बहुत ध्यान पूर्वक देखा जाता है और उस पर साइकोलॉजिस्ट बहुत अधिक अध्ययन भी कर रहे हैं अब हम लोग देखते हैं कि इसमें शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर अनेक तीव्र एवं उत्तेजनापूर्ण परिवर्तन तथा विकास होते हैं जो निम्न हैं नंबर वन शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट नंबर टू यौन विकास सेक्सुअल डेवलपमेंट नंबर थ्री संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट और नंबर फोर व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी चेंजेस नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे इस अभी तक के पढ़ाई में एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि मानव विकास की किस अवस्था को सुनहरा काल कहा जाता है या कौन सी अवस्था आनंदमयी होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा किशोरावस्था किशोरावस्था आनंद में ही होता है किशोरावस्था को हम लोग दो चरणों में बांटते हैं पहला पूर्व किशोरावस्था या प्रारंभिक किशोरावस्था अर्ली एडोलसेंस जो कि थर्टीन से थर्टीन या फोर्टीन ईयर्स से स्टार्ट होकर फोर्टीन फिफ्टीन ईयर्स तक को माना जाता है नंबर टू उत्तर किशोरावस्था लेट एडोलसेंस सिक्सटीन सेवेंटीन ईयर्स से लेकर ट्वेंटी और ट्वेंटी वन ईयर्स तक को माना जाता है इस तरह से किशोरावस्था हम लोगों का स्टार्ट हुआ है अगले क्लासेस में हम लोग इसके आगे का करेंगे विकास ओके थैंक यू